अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की फिर हमारी वीडियो है कि मोबाइल से कैसे काम करना है। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स क्यूरीज आती है कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम मोबाइल से काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग होगी हम अपना लैपटॉप बाय कर लेंगे। स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉय हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट में वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है कि आप मोबाइल से बैठ के घर में कैसे एक अच्छा भला पैसा कमा सकते हैं। एक दो बार मैंने एक दो लोगों के अकाउंट्स को रिव्यू किया है, मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आपने स्टेप को मिस किया होता है। जब आप स्टेप को मिस कर देते हैं स्टार्ट से ही, तो फिर आपकी पेमेंट विड्रॉ नहीं होती। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक आपने वॉच करना है। अगर आप फिजिकली मुझसे सीखना चाहते हो तो इंशाल्लाह मुल्तान में आगे बहुत जल्द मैं अपने ऑफिस की ओपनिंग करने लगा हूं। मैं आपको लोकेशन, मुकम्मल एड्रेस बताऊंगा, आप मुझसे फिजिकल भी लर्न कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जरूर होगी। लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से वॉच करना है, एंड तक आपने वीडियो को देखना है और कमेंट जरूर करना है। जो भी आपकी क्यूरी हो आपने कमेंट लाजमी करना है, कमेंट्स में आपकी क्यूरी सारों की क्लियर कर देता हूं। मैं फिर आपको एक बात कहता हूं कि आपने हमेशा शॉर्ट टर्म के पीछे नहीं भागना, आपने स्किल सीखनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लिंक बिल्डिंग की स्किल सिखाई है कि आप मुकम्मल कंप्लीट कोर्स वॉच कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं। ये आपको थोड़ी बहुत आपको अर्निंग प्रोवाइड करते हैं, मींस कि आपके छोटे छोटे हजल्स, छोटे मोटे के जो अखराजात हैं डेली के, वो तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े काम, मींस के लाइक के आप अपनी गाड़ी, घर, मतलब एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं इन एप्स, इन वेबसाइट से ले सकते। पहले पहले ये वेबसाइट्स आपको काफी अच्छी अर्निंग देती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो कम होना, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमेशा आपने स्किल पे फोकस करना है। लेकिन आपने स्टार्टअप लेना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप इजीली इस वेबसाइट पे काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। एक रुपए की भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। एक रुपए की भी काम मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, टैब से कर सकते हैं। स्पेशली वीडियो उनके लिए जिनके पास ना लैपटॉप है ना टैब है, तो मतलब वो मोबाइल से कैसे काम कर सकते हैं। पेमेंट आप विड्रॉ पाकिस्तानी बैंक में, जैज कैश में, इजी पैसे में आराम से ले सकते हैं। टाइम ऐसा होता है कि आपकी इनकम हो जाती है लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, स्टेप मिस हो जाता है, फिर आप कहते हैं सर उमर आपने सही नहीं बताया, आपने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की, मेरी अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रही। क्योंकि मैं बहुत से मैसेजेस, बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं सर आप पेमेंट विड्रॉ नहीं हो रही। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, लैपटॉप से भी और पीसी से भी। स्पेशल वीडियो उनके लिए जिन्होंने मोबाइल से काम स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जरूर होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टिमुली वेब पे दिखाता हूँ कि ये साइट्स कब से है, मतलब ये 1999 से ये वेबसाइट्स काम कर रही है, यूनाइटेड किंगडम से है और अपने जो इसके 200 से लेकर 500 एम्प्लॉयज है, ठीक है। एनुअल रेवेन्यू मतलब पूरे साल का जो रेवेन्यू इसका तकरीबन $25 मिलियन से $50 मिलियन है, ठीक है। टोटल विजिटर्स इसके 90.4 मतलब 20 लाख तकरीबन जो है मिलियन राउंड अबाउट इसके विजिटर होते हैं सालाना। आपने ये देखा कि एक मुकम्मल वेबसाइट है जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छा खासा ये रेवेन्यू बना के दे रही है। एक अथेंटिक वेबसाइट है और ये यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। इसके अलावा हम इस पे चलते हैं लाइक के इसका ट्रस्ट स्कोर चेक करते हैं। ट्रस्ट स्कोर पे अगर हम इस पे जाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल 100/100। आप किसी भी वेबसाइट्स पे काम करते हैं आपने हमेशा उसका ट्रस्ट स्कोर चेक करना है, क्योंकि ये स्कैम एडवाइजर आपको बताता है, स्कैम एडवाइजर बताता है आपको इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये आपने हमेशा अपने माइंड में बात याद रखनी है। मैंने इसकी आपको ट्रैफिक बता दी, कब से वेबसाइट्स काम करी है, इसका रेवेन्यू कितना, कितने मिलियन इसके विजिटर पर ईयर आते हैं, वो भी आपने सब कुछ देख लिया। अब हम इस वेबसाइट्स पे चलते हैं, हमने काम किस तरह करना है। आपने lame.com वेबसाइट पे आ जाना, alamy.com lame.com, ठीक है। आपने माई अकाउंट पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करके नीचे आ जाना, सबसे एंड पे आ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ बिकम ए कॉन्ट्रीब्यूटर, आपने इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर आपने बिकम ए कॉन्ट्रीब्यूटर पे एक बार फिर किससे क्लिक करना है। छोटे छोटे टास्क होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट होते हैं, लेकिन आपके एसेट्स बन जाते हैं जहां पे आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। और आपने ये सारा काम अपने मोबाइल से करना है, लैपटॉप से मैं आपको इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप काम कर सकें, ठीक है। ठीक है, इधर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, इधर मैं अपना सेकेंड नेम देता हूँ, मैं एक रैंडम सी अपनी एक ईमेल डाल देता हूँ। इसके बाद इधर आपने पासवर्ड देना है, मैं पासवर्ड देता हूँ। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर देना, फोन नंबर आपने +92 से स्टार्ट करना है। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है इसके बाद फिर आपको काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है, उसके बाद आपने इधर एड्रेस देना है, ठीक है। आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है,
बहुत इजी काम है, सिर्फ आपने अपनी तस्वीरें अपलोड करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पिक्चर का अपलोड करके अपना कैसे डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इधर आपने अपने बारे में थोड़ा कुछ लिख देना, मैं रैंडमली कुछ लिख, आई एम फोटोग्राफर, वर्किंग वेल, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। आपने अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, सही है। उसके बाद इन दोनों को आपने टिक करना है, टिक करने के बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। ये मुझसे एड्रेस मांग रहा है, ठीक है, मैं रैंडम कोई मुल्तान का एड्रेस देता हूँ, नियर कैंट मुल्तान, स्टेट हमारी पंजाब है। आपका जो भी एड्रेस हो, जो भी पोस्टल कोड हो, वो आपने यहाँ पर दे देना, ठीक है। सिंपली बस आपने ये काम करना है, यहाँ से बिकम ए कंट्रीब्यूटर पे क्लिक कर देना। ले जी, 1 से 2 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे फोटोग्राफी का काम करने लगे हैं, ठीक है। आपने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपने अपने 3 इमेजेस अपलोड करनी है, 3 इमेजेस, वो वाली 3 इमेजेस अपलोड करनी है जिसकी क्वालिटी हाई हो, अच्छी रेजोल्यूशन में बनी हुई, एक अच्छे कैमरे से, मतलब कि आपने अच्छी तरह बना लेनी है, क्यूट सी जो तस्वीर हो, अच्छी जिसकी रेजोल्यूशन हो, HD में हो, इसमें साफ सुथरे आपने वो बना लेंगे। यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड नजर आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 3 तस्वीरें अपनी अपलोड करेंगे, आपका अकाउंट सबमिट करेंगे, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपने अपने माई डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स टू डेट नजर आएगी, मतलब जितनी भी सेल होगी, जितने लोग आपकी तस्वीरों को डाउनलोड करेंगे, व्यूज करेंगे, आपको वहां पे अर्निंग होगी, आपकी पूरी ईयर की अर्निंग, आपको पूरे मंथ की अर्निंग यहाँ पर आपकी शो होगी, मुकम्मल आपका बैलेंस यहाँ पे, आपका करंट बैलेंस कितना है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने आपके डॉलर बन रहे, सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, इजीली यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स नजर आती है, पेमेंट डिटेल्स से पहले आपको यहाँ पे अपने जो अपने पासवर्ड दिया था, वहाँ पे यहाँ पे आपने उसे दोबारा इंटर करना है, मतलब वेरीफाई करना। यहाँ पे बता रहा है कि आप UK से बिलोंग करते हैं या US, इससे आपने स्किप कर देना, आपने प्लीज चूज ए पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपने अपना बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना। उसके अलावा जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान से बाहर है, वो पेपाल को भी यूज कर सकते हैं या फिर स्क्रिल को, उनके पास बहुत पेमेंट ऑप्शन है, पाकिस्तान में इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर वो पूछ रहा जी आपको जो आपकी अर्निंग है USD में मिलनी चाहिए, पाउंड्स में या यूरो में, आपने डॉलर ही रहना देना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बैंक अटैच करना, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ले जी मैं से यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपने बैंक का नेम, मतलब आपके जो बैंक का नेम है आपने वो देना है, अकाउंट होल्डर नेम आपका क्या नाम है आपने वो देना है, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना, और यहाँ पे स्विफ्ट कोड हर बैंक का डिफरेंट होता है, स्विफ्ट कोड आपके बैंक वाले ही बताएंगे। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं अपनी बैंक की ब्रांच का स्विफ्ट कोड, या फिर आप बैंक वालों से पूछ सकते हैं, वो आपको स्विफ्ट कोड बता देंगे। इधर आपने रेफरेंस देना, मतलब ये अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो किसके रेफरेंस से आप पेमेंट लेना चाहते हैं, आप रेफरेंस देना, और इसे आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना, आपका पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा, ठीक है। वापिस चलते हैं हम डैशबोर्ड पे, इधर से आपके पास ऑप्शन है अपलोड पिक्स का। जितनी आप ज्यादा तस्वीरें अपलोड करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, आपका डिजिटल एसेट्स बन जाएगा। डेली का आपने 10-15-20 मिनट आपने काम किया, पिक्चर अच्छी अच्छी बनाई आपने, आप कोई सब्जी काट रहे हैं मीन से, या कोई आप बाहर विजिट पे गए हैं, कहीं घूम रहे हैं, या आपके पास कोई ट्रैवल की पिक्स है, मतलब अच्छी रेजोल्यूशन में HD, आप यहाँ पे अपलोड कर देनी है, सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देना और कुछ भी नहीं करना। इस तरह आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी और एक अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी और वेबसाइट्स हैं इस जहां पे आप सेम टू सेम ऐसा काम कर सकते हैं, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आप 500px, आप इस वेबसाइट पे जाए 500px पे, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, आपकी भी अर्निंग वैसे ही होगी। यहाँ पे भी आपने सिंपल अपनी तस्वीरों को अपलोड करना है, जैसे मैंने आपको अलामे कंट्रीब्यूटर वेबसाइट से बताया, यहाँ पे भी आपका सिंपल अकाउंट ऐसे ही बनेगा, आपने यहाँ पे भी अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपने यहाँ से साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद यहाँ पे भी आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, आप शायद इसके बारे में फ्री पिक, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे भी आप अपनी पिक सेल कर सकते हैं फॉर टाइम, मतलब आप अपना डिजिटल एसेट बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपने साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद अपनी अच्छी तस्वीरें जो HD रेजोल्यूशन में अच्छी हो उन्हें आप अपलोड करें, यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे आप अपना डिजिटल एसेट्स को बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग घर बैठ के कर सकते हैं।
सिर्फ तस्वीरें ही अपलोड करनी, इससे आसान शायद इजी कोई काम नहीं होगा, कोई भी काम इससे इजी नहीं होगा। यहां तक हो, उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी, किसी चीज पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट कर, इंशाल्लाह मैं अपनी सारी क्यूरीज क्लियर कर दूंगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।